नमस्कार दोस्तों, टेक सुविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब तक तो आप सभी को मालूम पड़ ही गया होगा कि AMD ने अपने सेकेंड जनरेशन के राइजन प्रोसेसर्स को लॉन्च कर दिया है और अब वो ग्लोबली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ तक कि इंडिया में भी बस अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अमेजोन पे भी एक आध दो दिन में आ जाएंगे। तो अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन प्रोसेसर्स में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ये कॉफी लेक को बीट करते हैं कि नहीं, और किन माने में कॉफी लेक से अच्छा है या फिर किन माने में कॉफी लेक से बुरा है। तो आइए जानते हैं इन प्रोसेसर्स के बारे में। तो पूरे वीडियो को देखिए और बाद में लाइक करना मत भूलिएगा। अब आरंभ करते हैं। अब वैसे तो राइजन सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर्स के नाम पे AMD ने चार प्रोसेसर्स को लॉन्च किया है, जो कि हैं राइजन 5 2600, राइजन 5 2600X, राइजन 5 2700 और राइजन 7 2700X। लेकिन इनमें से कुछ ही अच्छे हैं और कुछ मतलब उतने अपीलिंग नहीं है। वैसे प्रोसेसर्स तो सारे ही अच्छे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइजन 5 2600 के स्पेक्स के साथ। इस प्रोसेसर के अंदर 6 कोर्स है और 12 थ्रेड्स है। इसकी बेस स्पीड 3.4 GHz है, बूस्ट स्पीड 3.9 GHz है, कैश मेमोरी 19 MB है, TDP 65W है और फिर बाद में इसके साथ आपको रायत का स्पायर कूलर मिलेगा। अब गाइज अगर आपको 4 GHz तक ओवरक्लॉक करना है तो मेरे हिसाब से ये कूलर भी बेकार नहीं है। आप 4 GHz तक आराम से जा सकते हो इस कूलर के साथ। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगा ना कि अगर आप 4 GHz पे पुश करने की कोशिश करते हो तो टेम्परेचर इस कूलर के साथ बहुत ज्यादा राइज हो जाएंगी। तो अगर आप 4 GHz तक जाना चाहते हो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक आफ्टर मार्केट कूलर लें। हाँ, लेकिन 3.8, 3.6 या 7 ये सब करने में तो मतलब आराम से एक कूलर कर देगा। अब गाइस अगर इस प्रोसेसर के इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 15,500 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोसेसर की तरफ। हमारा जो अगला प्रोसेसर है वो पिछले प्रोसेसर का ही एक्स वेरिएंट है, मतलब कि ये राइजन 5 2600X। अब इस प्रोसेसर के अंदर भी 6 कोर्स है और वही सेम 12 थ्रेड्स है, लेकिन इसकी जो बेस स्पीड है वो 3.6 GHz है और वही बूस्ट स्पीड इसकी 4.2 GHz है। कैश मेमोरी इसकी भी 19 MB है और फिर बाद में इसकी जो TDP है वो 95W है और ये जो प्रोसेसर है वो रायत स्पायर कूलर के साथ आता है। अब गाइस रायत स्पायर कूलर रायत स्टेल से तो बेटर ही है, ठीक है। तो मतलब कि आप इस प्रोसेसर के अंदर 4 GHz तक बड़े ही आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो और आपको आफ्टर मार्केट कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर बाद में अगर आपको नॉइस लेवल को कम रखना है और फिर बाद में आपको और भी ज्यादा पुश करना है, मतलब कि 4.1 GHz ऐसा कुछ, तो फिर आपको आफ्टर मार्केट कूलर की तो मतलब जरूरत पड़ेगी ही। अब अगर इस प्रोसेसर की प्राइसिंग की बात करें तो ये प्रोसेसर आपको 19,000 तक मिल सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोसेसर की तरफ, जो कि है राइजन 7 2700। अब गाइस ऑफ कोर्स ये बात है क्योंकि राइजन 7 सीरीज का प्रोसेसर है, मतलब इसके अंदर 8 कोर्स है और 16 थ्रेड्स है। इसकी जो बेस स्पीड है वो 3.2 GHz है और वही जो इसकी बूस्ट स्पीड है वो 4.1 GHz है। कैश मेमोरी इसकी 20 MB है और फिर बाद में इसकी TDP 65W है। अगर कूलर की बात करें तो इसके साथ रायत स्पायर का ही कूलर मिलेगा, लेकिन इसके अंदर RGB LED साथ में रहेगा। तो अगर आपको RGB चीजें पसंद है, मेरे हिसाब से आपके लिए काफी अच्छा डील रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ऑलरेडी हीट सिंक और कूलर प्रोवाइडेड है साथ में प्रोसेसर के साथ, तो मतलब कि बाहर का कूलर लेने की जरूरत नहीं और आप पैसे भी बचाओगे। वैसे ये कूलर काफी बढ़िया है, मतलब कि आपको कूलिंग भी बढ़िया देगा और 4 GHz जैसे कि मैंने पहले ही बोला हुआ है आप 4 GHz आराम से रीच कर लोगे और फिर बाद में RGB का भी इफेक्ट मिल रहा है। अब गाइस ये जो प्रोसेसर ये काफी कूल है अगर हम पिछले प्रोसेसर के मुकाबले कंपेयर करें तो, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये 8 कोर और 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है और फिर बाद में इसकी जो TDP है वो सिर्फ 65W है। तो मतलब काफी अच्छा डील है अगर आप राइजन 7 2700 लेते हैं तो। वही अगर इस प्रोसेसर के प्राइसिंग की बात करें तो ये प्रोसेसर आपको 24,000 में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर यानी कि राइजन 7 2700X के ऊपर। अब ये जो प्रोसेसर इसके अंदर भी आपको 8 कोर्स मिल जाएंगे और 16 थ्रेड्स मिल जाएंगे राइजन 7 2700 की तरह ही, लेकिन इसकी जो बेस स्पीड है और फिर बाद में इसकी बूस्ट स्पीड है वो ज्यादा है। तो चलिए इसकी बेस और बूस्ट स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो बेस स्पीड है वो 3.7 GHz है और फिर बाद में इसकी जो बूस्ट स्पीड है वो 4.3 GHz है। अगर कैश मेमोरी की बात करें तो ये भी 20 MB है यानी कि राइजन 7 2700 जितना ही है और फिर बाद में इसका जो TDP वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा है यानी कि 105W। लेकिन फिर बाद में इस 105W को कूल करने के लिए आपको साथ में बहुत ही अच्छा कूलर भी मिल रहा है, रायत प्रिज्म RGB LED। अब ये जो कूलर है रायत मैक्स ही है, लेकिन फिर बाद में इसको रायत प्रिज्म बना दिया गया है। अब वही अगर इस प्रोसेसर के प्राइसिंग की बात करें तो ये प्रोसेसर आपको 30,000 के नीचे मिल जाएगा। अब अगर बात करके इन प्रोसेसर के अंदर ऐसा क्या खास है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले, तो सबसे पहले तो इन प्रोसेसर के अंदर 12 नैनोमीटर का प्रोसेसिंग नोड का इस्तेमाल किया गया है, साथ में कैश मेमोरी की लेटेंसी भी रिड्यूस की गई है और फिर बाद में हर प्रोसेसर के अंदर कम से कम 200 से लेकर 300 MHz की क्लॉक स्पीड बूस्ट की गई है।
तो ओवरऑल देखो यार परफॉर्मेंस तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अपलिफ्ट होगा तो वैसा नहीं है। और यार ये डिसअपॉइंटिंग बात है कि मतलब 4.5 गीगाहर्ट्ज़ इनमें से कोई भी एसक्यू हिट नहीं कर सकता है। अब वही अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात करें तो ये जो प्रोसेसर है प्रिसीशन बूस्ट 2.0 सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में XFR 2.0 सपोर्ट करते हैं। अब बेसिकली XFR क्या होता है कि अगर इसके अंदर आपका कूलिंग सोल्यूशन बराबर है और फिर बाद में ऐसा कोई एप्लीकेशन है जो कि एक या दो कोर के अंदर ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की डिमांड करते हैं तो आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर अपने आप 100 मेगाहर्ट्ज़ तक कोर बूस्ट हो जाएगी। वही अगर आप प्रिसीशन बूस्ट की बात करें तो इसके अंदर होगा क्या कि अगर आपका कूलिंग सोल्यूशन बराबर है तो आपका जो सीपीयू उसकी क्लॉक्स बूस्ट हो जाएंगी थोड़ा बहुत, यानी कि अगर आपका सीपीयू 3.7 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है तो वो 4.1 4.2 हिट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं राइजन 7 2700X की केस को कंसीडर कर रहा हूँ। अब लेकिन प्रिसीशन बूस्ट 2.0 का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब कि ज्यादातर टाइम पे आपके प्रोसेसर के क्लॉक्स को बूस्ट करके रखता है, तो उससे ये प्रॉब्लम है कि आपके सिस्टम की पावर कंजम्पशन बढ़ जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन बदले में आपको फिर बाद में गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगा और फिर बाद में आप अगर कोई टास्क वगैरह कर रहे हैं जो कि कोर्स पे हैवीली रिलाई करता है तो उसके अंदर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अब अगर प्योर आईपीसी इंप्रूवमेंट की बात करें तो इन प्रोसेसर के अंदर पिछले जनरेशन के मुकाबले 3% या 4% आईपीसी का इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि यार मतलब बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन फिर बाद में अगर आप वही कैश लेटेंसी की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा बहुत रिडक्शन हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं एक्चुअली 15% से लेकर 24% के आसपास तक कैश लेटेंसी में रिडक्शन हुआ है, तो उससे थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। और फिर बाद में ये हायर क्लॉक स्पीड की मेमोरी सपोर्ट करती है, यानी कि DDR3 2933 MHz। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस अपलिफ्ट की बात करें पिछले जनरेशन के मुकाबले तो वो कुछ 15-16% के आसपास है, क्योंकि आपकी आईपीसी आती है, फिर बाद में लो लेटेंसी कैश मेमोरी एडअप होती है, फिर बाद में हायर क्लॉक स्पीड की मेमोरी भी आती है साथ में, और फिर बाद में 200-300 MHz क्लॉक्स भी बूस्ट किए गए हैं, तो एक्चुअली ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा इन प्रोसेसर्स के अंदर। तो दोस्तों अब अगर आप मेरे ओल्ड व्यूअर हो और आपने मेरा आईपीसी वाला एनालिसिस वीडियो देखा है राइजन सेकंड जनरेशन के बारे में जो कि मैंने 2 महीने पहले डाला हुआ था, तो उसके अंदर मैंने बात की थी कि ओवरऑल जो आईपीसी का परफॉर्मेंस होगा वो स्काईलेक सीरीज के प्रोसेसर्स के उतना होगा या फिर कुछ कुछ केसेस में उनसे ज्यादा होगा थोड़ा बहुत, तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये जो प्रोसेसर्स है इनकी परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर सकते हो स्काईलेक के प्रोसेसर से, लेकिन फिर बाद में इन प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स ज्यादा है और साथ में कोर्स भी ज्यादा है। तो अब बात यहाँ पे फर्स्ट है कि ये जो प्रोसेसर है वो कॉफी लेक से कहाँ पे स्टैंड करते हैं, मतलब कॉफी लेक इनसे बेटर है कि ये प्रोसेसर कॉफी लेक से बेटर है। तो देखो यार फिर वही बात आ जाती है पुराने जनरेशन की तरह, तो गेमिंग के मुकाबले में यार कॉफी लेक को राइजन सेकंड जनरेशन बीट नहीं कर सकता है। अब लेकिन फिर बात वहीं पे अटक जाती है ना कि आपको साथ में प्रोडक्टिविटी भी करना है या फिर सिर्फ गेमिंग करना है, और गेमिंग ही अगर आप करना चाहते हो तो कैसा गेमिंग करना चाहते हो, मतलब कि 200 फ्रेम रेट के ऊपर आपको गेमिंग करना है या फिर बाद में आपको 75 फ्रेम्स या फिर 60 फ्रेम्स पे गेमिंग करना है सब सेटिंग्स टर्न ऑन करके और हायर रेजोल्यूशन पे। तो अगर आप सब सेटिंग्स टर्न ऑन करके हायर रेजोल्यूशन पे गेमिंग करना चाहते हो तो एमडी का सेकंड जनरेशन राइजन बढ़िया प्रोसेसर है और साथ में कॉफी लेक तो बढ़िया प्रोसेसर है ही, लेकिन फिर बाद में आप हायर एफपीएस वाले गेमिंग करना चाहते हो तो यार कॉफी लेक के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था लेकिन वैसा गेमिंग में परफॉर्मेंस दिखा नहीं। तो यहाँ पे रूमर्स निकले थे कि जो राइजन के सेकंड जनरेशन के प्रोसेसर्स हैं वो बीट कर रहे हैं कॉफी लेक को, तो देखो यार वो फेक निकले, वो सिर्फ एक तरह से मतलब मार्केटिंग गिमिक ही समझ लो एएमडी का, क्योंकि कोई भी प्रोसेसर या फिर कोई जीपी लॉन्च होने वाला तो उसके ऐसे ही बहुत सारे मतलब अफवाह उड़ते रहते कि ऐसा परफॉर्मेंस देगा, और सिर्फ यहाँ पे एएमडी की बात नहीं है, यहाँ पे इंटेल भी बहुत ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट करता है। अब गाइस हर मायने में फर्स्ट जनरेशन राइजन के मुकाबले बेटर प्रोसेसर है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्लॉक स्पीड इंप्रूव्ड है और फिर बाद में एक्चुअली ये एफिशिएंट प्रोसेसर है, ठीक है, मतलब कि ये पिछले जनरेशन के मुकाबले पावर कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन फिर बाद में अगर आप 4 GHz के ऊपर जाओगे तो पावर कंजम्पशन कंसिडरेबली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो सिंपल सा लॉजिक है यार, क्योंकि मतलब आप जितना ज्यादा क्लॉक स्पीड बढ़ाओगे पावर कंजम्पशन उतना ही ज्यादा बढ़ता है। एक्चुअली अच्छी बात इन जनरेशन के प्रोसेसर के अंदर ये है कि ये फर्स्ट जनरेशन राइजन की तरह मतलब बगी नहीं है रैम सपोर्ट के मामले में, और एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब आप सभी ये सोच रहे होंगे ना कि मतलब कंक्लूजन क्या है, इनमें से कौन सा प्रोसेसर हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो देखो गाइस अगर आप 6 कोर वाले प्रोसेसर की तरफ जाते हो ना तो मेरे हिसाब से राइजन 5 2600 बहुत ही बढ़िया डील है। अब ये राइजन 5 2600 क्यों बढ़िया डील है राइजन 5 2600X के मुकाबले, सबसे पहले बात तो इसकी क्लॉक स्पीड इंप्रूव की गई है पिछले जनरेशन के मुकाबले, मतलब कि राइजन 5 1600 के मुकाबले, वही 2600 के अंदर 1600X के मुकाबले कोई क्लॉक स्पीड का इंप्रूवमेंट नहीं है, वही 3.6 GHz है, बस जो आर्किटेक्चरल इंप्रूवमेंट है और थोड़ी बहुत जो ऑप्टिमाइजेशन है वही है।
लेकिन फिर बाद में उसी चीज के लिए आपको 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है राइजन 5 2600 के मुकाबले। हाँ, लेकिन आपको साथ में ये जरूर है कि आपको हायर क्लॉक स्पीड मिल रहा है और फिर बाद में आपको बेटर कूलर मिल रहा है। लेकिन फिर बाद में यार ये कूलर उतना भी अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि अगर आप ओवरक्लॉक करना ही चाहते हो 4 GHz के आसपास तक, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना 3000 रुपए बचाएं और राइजन 5 2600 ले। अब ये 3000 बचा के आपको देखो क्या मिलेगा। ये जो 3000 आप बचाओगे उसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छा कूलर ले सकते हो और फिर बाद में आप कम नॉइस पे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा क्लॉक स्पीड अचीव कर पाओगे। तो ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छा डील लग रहा है मुझे। अब अगर आप राइजन 7 की तरफ देख रहे हो तो मेरे हिसाब से राइजन 7 2700 और 2700X दोनों ही अच्छे प्रोसेसर है। अब किन मायने में दोनों अच्छे हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइजन 7 2700 के बारे में। अब गाइस, अगर आप बजट में 8 Core 16 Thread वाले प्रोसेसर को लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है 24000 के अंदर यही बेस्ट बेट है। सबसे पहली बात है ये 8 कोर का प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी इसकी जो TDP है वो सिर्फ 65 वॉट्स है। मतलब कि आप अगर ओवरक्लॉक करते हैं तो आप 3.6-3.7 गीगाहर्ट्ज़ पे ले जा सकते हैं, तो आपको 24000 में ही आपको मतलब 2700X के लेवल का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। अब मजेदार बात ये है कि इस प्रोसेसर के साथ जो कूलर आता है मतलब कि रायसफेयर, वो RGB है। तो यार आपको आफ्टर मार्केट कूलर लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी के अंदर ही 3.7-3.6 GHz तक आराम से जा सकते हो और फिर बाद में आपको RGB मिल रहा है, तो मतलब गेमर लुक भी मिल रहा है साथ में। तो मेरे हिसाब से यार अगर आप वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर ढूंढ रहे हो राइजन सेकंड जनरेशन के अंदर, तो वो है राइजन 5 2600। मैं उसके रीजन पहले से ही बता चुका हूँ क्यों है ऐसा, और फिर बाद में राइजन 7 2700। अब लेकिन आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरे हिसाब से राइजन 7 2700X भी खराब डील नहीं है। अब वो ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको आउट ऑफ द बॉक्स 3.7 GHz की बेस क्लॉक मिल रही है और साथ में आपको एक एक्सीलेंट कूलर मिल रहा है। और हाँ, ये कूलर भी RGB LED सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर भी आपको आफ्टर मार्केट कूलर की जरूरत नहीं अगर आप 4 GHz तक जाना चाहते हो तो। अब लेकिन क्योंकि ये जो प्रोसेसर वो 4 GHz से ज्यादा जा सकता है, मतलब कि 4.1 GHz, 4.2 GHz और शायद रेयर केसेस में 4.3 भी चला जाए, तो आप एक आफ्टर मार्केट कूलर कंसिडर करेंगे। तो ओवरऑल गाइस, प्रोडक्टिविटी के लिए और गेमिंग के लिए बहुत ही बैलेंस्ड ऑप्शन है राइजन के सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर्स। अब अगर आपको प्योर गेमिंग करना है और आपको सिर्फ गेमिंग से ही मतलब है, आपको मतलब मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप बेशक यार कॉफी लेक की तरफ ही देखोगे, मतलब फिर ये प्रोसेसर लेके आपको मतलब नहीं है। अब लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि इंटेल के अंदर मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उन प्रोसेसर्स के अंदर भी मल्टी थ्रेडेड परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, क्योंकि उनके अंदर भी 6 कोर्स हैं और फिर बाद में i7 में तो मतलब 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स हैं। तो यार मेरे हिसाब से प्रोसेसर्स के लिए ना 2018 बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि राइजन के सेकेंड जनरेशन भी आ गए और फिर बाद में इंटेल के बजट सीरीज के मदरबोर्ड्स भी आ गए। तो अगर आप गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अब यही राइट टाइम है, पर शर्त यह कि आपको अच्छे प्राइस पे ग्राफिक्स कार्ड मिल जाए। अब गाइस, ये मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, मतलब कि राइजन के सेकंड जन वाले प्रोसेसर या फिर इंटेल के, ये चॉइस आपका है। अगर आपको इंटेल पसंद है तो बेशक आप इंटेल लीजिए, अगर आपको AMD पसंद है तो आप बेशक AMD लीजिए। अब दोनों ही प्रोसेसर अपने अपने काम में यूनिक है। AMD जहां पे वैल्यू फॉर मनी देता है, मतलब कि आप स्ट्रीमिंग वगैरह कर सकते हो, गेम स्ट्रीमिंग कर सकते हो, साथ में आप गेमिंग भी कर सकते हो, वो इंटेल में आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और मतलब गेम स्ट्रीमिंग तो कर ही सकते हो, लेकिन मतलब अगर आप गेमिंग कर रहे हो साथ में गेम स्ट्रीमिंग कर रहे हो, मतलब कंटेंट क्रिएशन का काम करे, तो यार फिर AMD राइजन सेकंड जनरेशन थोड़ा सा बेटर पड़ेगा। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए, AMD का प्रोसेसर चाहिए या इंटेल का। बाकी दोनों ही कंपनियां, चाहे AMD हो या फिर इंटेल, दोनों ही मतलब काफी कॉम्पिटेटिव और काफी बढ़िया प्रोसेसर इस वक्त एटलीस्ट फॉर 2018 के लिए मतलब काफी अच्छा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं या फिर प्रोसेसर्स दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिल जाए मैं जब भी नया अपलोड करूँ तो। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजॉन लिंक से शॉपिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर पेटीएम का नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट डोनेशन कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करना चाहते हैं तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। और हाँ यार, मैंने डिस्कॉर्ड भी बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करेंगे वहाँ पे डायरेक्टली, और आप मुझसे बातें वगैरह भी कर सकते हो, तो फॉलो कीजिए जल्दी जल्दी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।